बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मीट टिक्का डीप फ्राई बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। प्रेशर कुकर में इसको डाल लेते हैं। हाफ के जी है लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, वाटर, इनको इतनी देर पकाएंगे ये फुल कुक हो जाए। 10 मिनट इनको पका लिए, हीट बंद कर लिए प्रेशर कुकर में। प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कुकर खोल लेंगे। ये फुल कुक हो गया है, इनको निकाल लेते हैं। ये वाटर भी निकाल लेते हैं, इनको ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी यूज़ कर लेंगे। इन दोनों को ठंडा कर लेते हैं। साबा स्पाइस ले लिए, इनको अगर ऐसे ही डाल लेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। इनको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इनका पाउडर बना लेंगे। बे लीव्स ले लिए, सूखा धनिया साबुत 1/2 टेबल स्पून, पेपर कॉर्न, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा साबत 1 टेबल स्पून, शाही ज़ीरा काला ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी की 2 स्टिक, ब्लैक कार्डमम, लो हीट रखनी है। ये सब इसमें डाल लेते हैं। वन मिनट इनको पका लेते हैं। ऑल पर्पज फ्लावर 1/2 कप, कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टीस्पून, साल्ट का इस्तेमाल पहले भी किया है, 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सावा स्पाइस जो भी पीसे हैं 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर, अजवाइन, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, इनको मिक्स करें। वन टीस्पून विनेगर, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, मीट का पका हुआ वाटर डाल लेते हैं। इनको मिक्स करें, मिक्स करके देखें, वाटर की ज़रूरत हुई तो बाद में और डाल लेंगे। इसमें वाटर डाल लेते हैं।
ये पका हुआ मीट इसमें डाल देते हैं, इनको मिक्स करें। हाफ आवर मैरिनेशन करके रख लेते हैं। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेते हैं। जब ऑयल जो है फुल गर्म हो जाएगा तो हीट जो है मीडियम कर लेंगे। अगर हाई हीट पे फ्राई करेंगे तो बाहर से ये सारे जल जाएंगे। हीट मीडियम कर ली है, इनको फ्राई कर लेते हैं। इनकी वन साइड गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। इनमें से जो फ्राई हो गए हैं उनको निकाल लेते हैं। इनको पकड़ के रखें, इनका ऑयल निकल जाए। ये कुक है, इनको सिर्फ जो है गोल्डन कलर देना है। जो बाकी रह गए उनको भी फ्राई कर लेते हैं। हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। जब सब फ्राई हो जाए तो हीट बंद कर लें। अगर पहले हीट बंद कर लेंगे तो इनके बीच में ऑयल चला जाएगा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये फुल कुक है और ऑयली भी नहीं बना ये। बीफ टिक्का बनके रेडी हो गया। आप अपने स्पाइस और मीट अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।